What's up, everybody? Welcome to Stray Artist. This is Runeer Pratap Singh. And this is Komal Singh Seera. जिस स्टोरी के लिए आप यहाँ पे आए हो तो वो हम आपको बताते हैं. I am Randhir Pratap Singh. And I am Komal Singh Seera. We are theater artists with spirits of an adventurer. As a stray, we travel. And as an artist, we live. We are the stray artists. हम अभी रिसेंटली ही मुंबई पहुंचे थे और हमने वहाँ पर सिर्फ एक डेढ़ महीना ही स्पेंड करा था. तो हमें दिल्ली से फिर से बुलावा आया. तो हमारे घर में एक शादी है, फिर उसके लिए हमने 8 नवंबर की बुकिंग कराई थी कि हम 8 नवंबर बाय ट्रेन दिल्ली जाएंगे. पर क्योंकि मम्मी ऐसी होती है, मम्मियाँ बोलते हैं कि तुम एक महीने के लिए वहाँ आओ, 8 नवंबर का होगा, अच्छा 1 नवंबर को आ जाओ. क्योंकि हम टोटल 10 दिन के लिए आ रहे थे, हम 8 नवंबर को आ रहे थे और शायद हम 20 नवंबर के आसपास निकल जाते. तो उन्होंने कहा कि तुम इतने दिन के लिए आ रहे हो, तुम थोड़े दिन और एक्सटेंड कर दो अगर तुम्हारे पास फ्री है तो. और फिर जैसे ही हमने अपनी टिकट जो हमने 8 नवंबर की बुकिंग करी थी वो कैंसिल करी, उसके बाद हुआ टिकट्स बुक करने का सिलसिला शुरू. तो हमने उसके बाद एक हफ्ता एक्सटेंड करके हमने टिकट्स बुक करी 2 नवंबर की. और फिर 2 नवंबर की बुक करने पर डिसाइड हुआ कि मम्मी की डिमांड है कि तुम थोड़े दिन और आ जाओ. अगर तुम 5 दिन बाद आओगे तो 5 दिन पहले आ जाओ. फिर जो हमने 2 नवंबर की टिकट्स बुक करी थी हमने वो भी करी कैंसिल. फिर हमारे लिए एंड आ गया. फिर हमारे को कहीं पर कोई भी टिकट नहीं मिल रही थी क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा था और आसपास के टाइम में दिवाली का सबको पता है कोई भी टिकट्स नहीं मिलती. फिर हमने सोचा कि हमें अब जो टिकट्स बुक करनी पड़ेंगी वो तो तत्काल में ही करनी पड़ेगी. तो तत्काल का आप लोगों को पता है कि सुबह 10 मिनट के लिए खुलता है वो तत्काल की जो ओपनिंग होती है, उसमें 90-80 के आसपास सीट्स होती हैं और वो विद इन 10 मिनट्स के आसपास बिक जाती है. विद इन 1 मिनट 2 मिनट के आसपास. हमने फिर उसकी 3 दिन प्रैक्टिस करी. फर्स्ट डे वो 10 मिनट तक खुली हुई थी. 10 मिनट तक वो 90 सीट्स दिखा रहा था, फिर 44 सीट्स दिखा रहा था और फिर वो 0 सीट्स दिखा रहा था. उस दिन हमें बुक करनी नहीं थी, बस हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि अगर कल होगा तो ऐसे हम फटाफट बुक कर देंगे. और जिस दिन हमने वो टिकट्स बुक करने को लगाई उस दिन वो टिकट्स 50 सेकंड्स के अंदर, लिसन टू मी, 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था, 50 सेकंड्स के अंदर वो 96 सीटें राजधानी की गायब. जैसी 10 बजे वो ग्रीन आया मैंने उसको बुक नाउ करा, 96 सीटों पे बुक करा. जब तक हमने नाम भरे, इन्फॉर्मेशन पूरी भरी, तब तक उन्होंने हमें वेटिंग लिस्ट 6 में डाल दिया. और सोचो ये सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर हुआ. उसके बाद जब हमने कार्ड भरे तो उन्होंने हमारे को वेटिंग लिस्ट 46 पे डाल दिया. तो सोचो अब 1 मिनट के अंदर इतनी ज्यादा वेटिंग लिस्ट हो गई. और वो मुझे पता है वो ऐसा नहीं होता, मुझे किसी के थ्रू पता लगा था कि ये लोग पहली बिकी होती है. तत्काल टिकट सिर्फ कहने के लिए होता है कि आपको मिल जाएंगी, बहुत रेयर केस में लोगों को तत्काल मिलती है, स्पेशली अगर दिवाली का टाइम हो फिर तो आप इम्पॉसिबल, आप नहीं जा सकते. तो फिर हमने सोचा कि हम चलो कोई नहीं एक दिन और ट्राई करेंगे. फिर हमने नेक्स्ट डे जब ट्राई करने लगे तब कोमल को एक कॉल आ गया. हमारे साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम टिकट्स बुक कर रहे होते हैं या फिर जब भी हमारा आने जाने का कोई प्लान बन रहा होता ना, उसी टाइम हमें ना काम आने लग जाते हैं कि मतलब ऑडिशंस के लिए आने लग जाते हैं कि भाई आप ये वाला ऑडिशन दे आओ, आप इस दिन अवेलेबल हो या नहीं हो. उस दिन भी वैसा ही हुआ, जब हमने टिकट सोचा कि हम कल सुबह बुक कर देंगे, उस रात को 10 बजे हमें एक ऑडिशन का कॉल आया. तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, हम तो ऑडिशन देंगे, यही तो करने आए, चलो कोई बात नहीं, एक दिन बात चले जाएंगे. ऐसे लगता भगवान ने भी कैलेंडर लगा रखा है कि हमारी टिकट बुक हुई, यहाँ से कॉल आने शुरू, इनको जाने नहीं देना, इनको जाने नहीं देना. फिर वो सेम चीज तत्काल में रिपीट हुई, तत्काल बुक नहीं कर पाए और फिर वो काम भी नहीं मिला. बट ये था हमारे उसे 3-4 दिन हमारे काफी वेस्ट हुए इन सारी टिकट बुक के चक्कर में और फिर हम नहीं जा पाए. फाइनली हमारे को हुआ कि यार अब कैसे भी जाना है. फिर हमने सोचा कि चलो बस से जाते हैं. हमने बस का भी एक बार चेक करा था पहले, बट तब वो 9 बसेस अवेलेबल दिखा रहा था. बट जब हम इतना फंस गए, इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, तब उसमें काफी सारी बसेस आई और फिर हमने बसेस बुक करी हैं. तो जो ये बस के बारे में हम आपको अभी नहीं बताएंगे, उसके लिए हमने ब्लॉग बनाए हैं, हम आपको वो ब्लॉग दिखाएंगे. ये वाले ब्लॉग हमारे बहुत अच्छे ब्लॉग हैं, आप जरूर देखना, न्यू टाइप के ब्लॉग है क्योंकि हमने न्यू टाइप की जर्नी करी है, बस की जर्नी करी है साथ में. तो मजा आएगा आप लोगों को देखकर. एक बार के लिए तो हम ऐसे हो रही थी कि हमारे को कुछ नहीं मिला ना, तो सवेरे पहनेंगे पजामे, पहनेंगे टी शर्ट, भरेंगे माल और बाइक निकाल देंगे. इस बार हमने सोचा था कि हम 2 दिन में यहाँ से उदयपुर जाएंगे, उदयपुर से जाएंगे सीधा दिल्ली. तो फिर हमने सोचा यार अच्छा अगर हम ये कर रहे हैं तो हम बस भी चेक कर लेते हैं, इसलिए हमने बसेस भी चेक करी. तो आप हमारी स्टोरीज देखना, हमने आपको बस इन्फॉर्म करना था कि मस्त व्लॉग्स 2 आने वाले हैं, 2 व्लॉग्स हैं वो बहुत अमेजिंग है. उसके बाद दिल्ली की बहुत बहुत सारी मस्त मस्त वीडियोस हैं जो ऑलरेडी बन चुकी हैं. ये वीडियोस हमने आने के बाद बनाई है तो आप समझ सकते हो कितने हाफ हजार में वहाँ से निकले हैं. ये दिल्ली वाला रूम है आप लोगों को पता है, तो ये हम यहाँ पर आके बना रहे हैं और ये आपको प्री दिखा रहे हैं. अब पोस्ट है नहीं, ये हम आपको पोस्ट दिखा रहे हैं बट आपको अब प्री दिखेगा क्योंकि प्री बहुत मस्त है. तो ज्यादा कंफ्यूजन हो गया ना, चलो कोई नहीं, हमने आपको पोस्ट दिखा दिया प्री में जाके. तो दिस इज द पोस्ट, टुमारो विल कम द प्री. ओके, तो वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड डू हिट द बेल आइकन. वेयर डू वी गो नाउ? कल आएंगे. गुड नाइट.